जो बढ़ गई हैं ये सारी इंपोर्टेड हैं, तो उन्होंने इन्फ्लेशन को भी इफेक्ट किया और उन्होंने इंपोर्ट बिल को भी इफेक्ट किया। अब मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि ये इंपोर्ट्स जो 7.75 बिलियन थी नवंबर में और अक्टूबर में 6.3 थी, उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हैं, जाहिर है हम रॉ मटेरियल्स, हमारी अगर इकॉनमी चल पड़ी है तो रॉ मटेरियल्स आएंगे, उनका इन दो महीनों में फर्क जो है $252 मिलियन। सबसे बड़ा जो फर्क है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसमें ऑयल, गैस और कोयला है, उसमें $508 मिलियन का फर्क है मंथ ऑन मंथ। तो 1.4 बिलियन में से 500 ये हो गया और 250 वो हो गया, 750 यही हो गया। फिर एक बहुत बड़ा जो उसके बीच में जो नजर आता है नंबर, वो है वैक्सीन्स का, जो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर से फर्क है अक्टूबर नवंबर का। तो 750 और 400 कितना हुआ, 1150। तो 1150 तो 1.3 जो आपका वो है, बल्कि मैं कहूंगा 1.4 बिलियन डॉलर का फर्क, में तो 1150 तो यही हो गया। उसके बीच में फूड आइटम में ये जो एडिबल ऑयल है, इसमें भी जो है वो तेजी आई हुई है, और उसमें 134 मिलियन डॉलर का वही फर्क हो गया। तो अगर ये अगर आप मिला लें 150 ये, तो मतलब 1.3 बिलियन डॉलर आउट ऑफ 1.4 बिलियन इन चार चीजों में, रॉ मटेरियल आना चाहिए, ऑयल की इंपोर्ट्स जो है नहीं बढ़नी चाहिए ज्यादा, बढ़ गई हैं, और हम अभी क्या देख रहे हैं, इसमें ठहराव देख रहे हैं, इसके बीच में पुश बैक देख रहे हैं। कोयले की प्राइस जो $240 थी वो 110 पे आ गई, आज पेट्रोल जो 87 पे था वो अब $68 पे आ गया। इसी तरीके से आप देखें कि ये होपफुली LNG जो है ये भी इसका भी जोर टूटेगा, बिकॉज जाहिर है ये फॉलो करता है। फूड आइटम्स में अभी तक एडिबल ऑयल का नहीं कोई फर्क नजर आ रहा, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनवरी से ये जो है ये नई प्लांटेशंस वगैरह जो उगती हैं, मतलब इंडोनेशिया में, मलेशिया में, तो उसका और सिंगापुर में तो फर्क आएगा। और वैक्सीन जो है ये फंडेड है, ये वैक्सीन यहाँ तो नजर आ जाती है 400 मिलियन डॉलर, लेकिन अंदर ये हमें वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये इसके पैसे देते हैं, तो बिलो द लाइन ये फंडेड होती हैं। सो हमें इस चीज में अभी देखना चाहिए कि ये क्या चीजें जो हैं, ये क्या परमानेंट है। परमानेंट सिर्फ एक ही चीज है, और वो है कि परमानेंट आपकी ग्रोथ है, सर आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, आपके रेवेन्यूज 36% ज्यादा हैं पिछले साल से, और लोग ये कहते थे कि ये तो इंपोर्ट के हैं, ये तो इंपोर्ट की वजह से हो रहे हैं, तो हमने ये भी साबित कर दिया कि इंपोर्ट सिर्फ नहीं है, 32% तो उसमें इनकम टैक्स के इंक्रीज है, तो इसका मतलब ऑल अक्रॉस हो रहा है, इसका मतलब है इकॉनमी जो है वो मजबूत होती जा रही है। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन आ रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, और ये जो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हुआ है, ये तो इंडिया का भी हुआ है। इंडिया जो है वो एक साल पहले 10 बिलियन का उनका जो है ट्रेड डेफिसिट होता था, और इस दफा उनका जो है वो $20 बिलियन डबल है, तो उनका भी तो वही सब, क्यों वो भी इंपोर्ट करते हैं ये सारी काफी चीजें। सो मेरे कहने का मकसद ये है, इन्फ्लेशन भी इंपोर्टेड है, और उस इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की वजह है प्राइस एस्केलेशन। क्योंकि अगर मैं ये देखूं कि ये जो नंबर्स हैं इसमें कितना जो है वो प्राइस की वजह से है, और कितना जो है वो उसकी वजह से है, आपकी वॉल्यूम की वजह से, तो वो बड़ा साफ नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम जो है वो उसमें इतनी बढ़ावा नहीं हुआ जितना कि प्राइस में हो रहा है।
जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह की मैं आपको बताता हूं, 72% जो है इंक्रीज जो है वो प्राइस की वजह से, 11% जो है वो पिछले साल से इस साल में आप देखेंगे कि वो उसकी वजह से है, अपना वॉल्यूम की वजह से। और पिछला साल तो वो कोविड के बाद हम निकले थे, तो आप अंदाज़ा करें पिछले साल से इस साल में अगर 11% बढ़ रहा है तो वो तो वॉल्यूम तो इतना तो नहीं बढ़ाना, क्यों बढ़ाए वो 72% आपका पेट्रोल प्राइस। उसके बाद आप एनर्जी का भी यही है, लेकिन एनर्जी में आपकी प्राइस जो है वो 19 है और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्योंकि इसका मतलब यूसेज आपकी बिजनेस वगैरह वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप क्रूड पेट्रोलियम की बात करें, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ओवरऑल की बात थी, मैं सिर्फ क्रूड की बात करता हूँ, उसमें 86% जो है प्राइस है और सिर्फ 5% क्वांटिटी है। सो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जनाबे वाला, ये जो ये सारी चीज़ें हैं, इट्स ऑल प्राइस रिलेटेड, इट्स ऑल इम्पोर्ट्स, आएंगी नीचे, जैसे ये नीचे आएंगी ये आपका जो डिसइक्विलिब्रियम है ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अभी जिसमें अभी मैं पाम ऑयल की मैं बात करता हूँ, पाम ऑयल के बीच में और ये ऑयल सीड जो सोयाबीन है, सोयाबीन एंड ये कोल्जा सीड्स हैं, इसमें 75% जो है प्राइस है और 5% जो है वो आपका वो तकरीबन क्वांटिटी है, जो 5-10%, दैट्स इट। पल्सेस में यही है, 34% आपकी प्राइस है और तकरीबन क्वांटिटी सिर्फ 5% ऊपर गई। तो इसका कहने का मकसद ये है कि जनाब ये इसमें अभी एक बड़ा ये अल्फाज तो हम हर वक्त ही यूज़ करते हैं कि घबराने की बात नहीं है, तो इसलिए कि आप सिर्फ ये देखें कि फंडामेंटल्स हमारे कहाँ जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी जो है उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, उसका फंडामेंटल्स हैं कि आपके रेवेन्यू ठीक ग्रो कर रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, आप ये देखें आपकी फसलें जो हैं वो सारी, अभी देखें आपकी शुगर की केन की फसल है वो कोई 88 मिलियन टन्स हो गई है, तो हमें ये देखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही सिम्प में जा रही हैं। हाँ, एक हाइएटस है 2-3-4-6 महीने का, पूरी दुनिया को है, इंडिया से हिंदुस्तान को भी है, हमें भी है, अमेरिका को भी है, बरतानिया को भी है, सबको है, तो हम भी इसमें से निकलेंगे। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है, एक दिन में अगर मतलब ये आया तो 2000 पॉइंट 2100 पॉइंट नीचे गिर गई है, तो हेडलाइंस में लग गई हमारी, लेकिन दो दिन में उतना ही जो 1250 एक दफ़ा वो 500 दूसरे दिन, तो उधर कोई एक छोटी सी कॉलम लग गया था कि स्टॉक मार्केट डज वेल ड्यूरिंग द डे, तो मतलब तो हम ज़रा वो थोड़ा सा जब नेगेटिव हो जाता है तो उसको ज़रा ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं उससे भी मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब डिफ़िकल्टी है कि ठीक है ये, मतलब अगर आप लोग समझते हैं कि बैड न्यूज़ सेल्स तो वो है, लेकिन मैं आम आदमी को आम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि हमारा जो निचला तबका है या दरमियाना तबका है या लोअर मिडिल क्लास, अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो प्रेशर में है। हम कोशिश कर रहे हैं एहसास, यू नो, राशन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, कामयाब पाकिस्तान के थ्रू कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी सब्सिडियाँ दे सकें हम दे रहे हैं आपको, लेकिन ये सरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी इंशाल्लाह। ये जो है ये मुझे इसमें कोई वो मुश्किल नज़र नहीं आ रही कि जैसे ही आपकी प्राइसेस नीचे आएंगी, हमारी जो अच्छी चीज़ जो हो रही है वो है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी रेमिटेंसेस और हमारी एक्सपोर्ट्स मिलके वो ये जो हमारा ट्रेड गैप होगी इसको बेसिकली श्रिंक करेंगी, इसको बढ़ाएंगी नहीं। तो अब एडवाइज़र साहब आ गए हैं कॉमर्स में, वो भी बताएंगे आपको ये ट्रेड के बारे में, और उसके बाद देन हम लोग सवाल जवाब लेंगे, आप जो मर्ज़ी सवाल पूछना चाहेंगे मैं हाज़िर हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लेट था इसलिए मैं PM साहब के साथ था, तो जस्ट एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। जहाँ तक हमारा ट्रेड है ना, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट, इसके बारे में मैं बात करूँगा। पहले इम्पोर्ट्स का, आप लोगों के ज़्यादा फिक्र इम्पोर्ट्स की है, तो
इम्पोर्ट की बात करेंगे। अक्टूबर में हमारे टोटल इम्पोर्ट्स था 6.3 बिलियन, 6.3, और नवंबर में ये बढ़कर 7.7 बिलियन पर हो गया। इसका मतलब ये हुआ, इजाफा हुआ है 1.4 बिलियन। तो सवाल आता है कि वो कहाँ से इंक्रीज हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना, वो है हमारे एनर्जी के ऊपर। एनर्जी में 500, ओके, तो ये सबसे ज़्यादा तो यही हुआ। इसके बाद जो नंबर टू था वो है रॉ मटेरियल्स में 250 मिलियन, 252 एग्जैक्टली। तो जो रॉ मटेरियल में इजाफा हुआ है वो तो हम लोग समझ लेते अच्छी बात है। इसके मतलब जब रॉ मटेरियल बढ़ता है तो इसका मतलब इंडस्ट्री चल रही है, जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये था। इसके बाद वैक्सीन, एक नेक्स्ट था वो है वैक्सीन, नंबर थ्री वैक्सीन था वो 350। तो वैक्सीन की तो ज़रूरत है, जितनी भी हमें मंगाना पड़ेगा, जितना भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंपोर्ट करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, डॉलर्स बिल्कुल, डॉलर्स इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल। और फिर इसके बाद जो एक और इजाफा हुआ है, और वो भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है, कि 165 मिलियन डॉलर्स वो है इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। तो वो भी अच्छी बात है कि हमारे सनत का साइज बढ़ रहा है। तो ये जो आप देखे हैं तो इसमें कोई, मैं नहीं समझता को कोई घबराने वाली बात है कि एक जो मैंने भी यही कहा। अच्छा 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 हाँ तो नहीं तो फरवरी मार्च के बाद तो यही है, ये हमारी इंपोर्ट की पोजीशन है। तो एक और चीज़ है कि जहाँ तक इंपोर्ट से, जो अजवारी साहब ने अभी बताया कि पेट्रोलियम प्राइसेस एट द पीक 83 डॉलर्स अ बैरल, अभी आ गए है डाउन इनटू द 70s। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंड है ना वो कम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आइंदे महीनों में प्रेशर कम होगा। हमारे जो वैक्सीन है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बता रहे कि अभी उसका भी जो प्रोक्योरमेंट है वो तो हो चुकी है, लेकिन फंडेड है ना वो वर्ल्ड बैंक, और वो है फंडेड। तो ये हमारी पोजीशन है। तो ये और एक और चीज़ है कि ये टोटल ठीक है, बजटेड से ऊपर है, बट बजटेड से ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आइंदे महीने में सिचुएशन विल गेट बेटर। जहाँ तक एक्सपोर्ट्स का सवाल है, एक्सपोर्ट्स का जो सवाल है कि ये एक्सपोर्ट्स इन द मंथ ऑफ नवंबर वाज 2.9 बिलियन डॉलर्स, तो ये एक रिकॉर्ड है, कभी भी इतना हाई नहीं हुआ। इससे पहले जो हाईएस्ट था वो पिछले महीने 2.7, और इससे पहले रिकॉर्ड सितंबर 2013 में वो था 2.6। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितने टाइम लगे फ्रॉम 2.6 टू 2.9, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर एट 2.0। और मैं समझता हूँ विद अ फेयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस कि इंशाल्लाह अगले महीने दिसंबर में हमारे एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे 3 बिलियन डॉलर्स। तो इट इजाफा हो रहा है। और एक और चीज़ है, जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, आप लोग कहते हैं कि ये तो
क्वांटिटी वाइज नहीं बढ़ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे जिससे एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग इन क्वांटिटी एंड इन वैल्यू। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ है, मैं आपको बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर होम टेक्सटाइल्स क्वांटिटी इजाफा 17%, वैल्यू इजाफा 35%। जी बिल्कुल ओके। और यान में इजाफा क्वांटिटी वाइज कम हुआ है, वैल्यू वाइज बड़ा है। और क्वांटिटी वाइज कम हुआ है तो मुझे फिक्र नहीं है, इसलिए वो कहाँ जा रहा है, लोकल में जा रहा है टू मैन्युफैक्चर वैल्यू एडेड गुड्स, तो वो भी मैं समझता हूँ वो ठीक ठाक है। जहाँ तक तो ये सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक सिर्फ ये बता दूँ, इससे आपको पता लग जाएगा। ये जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन आइटम्स है, ये वो है जहाँ क्वांटिटी और वैल्यू में इजाफा हुआ है। रेड जहाँ है वो कम हुआ है क्वांटिटी और वैल्यू में इजाफा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं देखता हूँ तो मुझे फिर भी कोई ऐसी वरी नहीं है। सब सवाल प्लीज जी बिल्कुल। तो आप नहीं समझते कि एक तरफ तो हमारी रिफाइनरी जो है वो सब ऑप्टिमल कैपेसिटी पे चल रही है और इसी तरह जो दूसरी प्रोडक्ट का बिजनेस है वो भी उसमें भी काफी इंक्रीज है, नंबर आपके पास होंगे मुझे रिपीट करना। तो यानी वो चीजें जो आप अगर अपनी रिफाइनरीज ऑपरेट करें उनके ऊपर तो शायद वो आपको सस्ती पड़ रहे हैं, आपका फॉरन एक्सचेंज बचे, उसके बजाय हम जरा जो प्रोडक्ट्स है वो इम्पोर्ट करें। क्या आपके ख्याल में ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है और क्या आप ये नहीं समझते कि हमारी जो पॉलिसी है उसमें कोई फर्क नहीं है? नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये इसी को देखते हुए एक रिफाइनरी की जो रिफाइनिंग की जो पॉलिसी जो वो है उस पर हमने काफ़ी दिनों से गुफ्तगू की है और आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये सरेआम आ जाएगी कि हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि वो अपनी कैपेसिटी जो है उसको यूटिलाइजेशन बढ़ाएं, क्यों उनके बीच में कोई टेक्निकल जो है फॉल्ट लाइन्स थी जिसमें एक ज़माने में डीम टैक्स भी उनको दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता था, उन्होंने वो तो नहीं किया। इस दफ़ा फिर हमने उसकी रिफाइनिंग जो पॉलिसी है वो उसको हमने इस दफ़ा पूरा स्टडी करके उनको इंसेंटिवाइज किया है। दूसरा आपकी बात बिल्कुल सही है कि फर्नेस ऑयल, क्योंकि इस वक्त गैस जो थी वो हमारी लग रही थी कि वो महंगी है और शॉर्ट भी ना हो जाए, तो फर्नेस ऑयल जो है ये इस महीने जो पिछला महीना गुजरा है और उससे पिछला महीना गुजरा है इसमें फर्नेस ऑयल की $450 मिलियन की ये इम्पोर्ट हुई है, तो वो अब ख़त्म हो जाएगी बिकॉज अभी फर्नेस ऑयल हमें और चाहिए नहीं होगा, जो हमने लेना था वो ले लिया, लेकिन वो उसका होना नहीं चाहिए ना हमें, मतलब ऑल सेड एंड डन यू नो गैस ही हम ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है और इस पर हम काम करेंगे। जी जी जिसकी वजह से 2017 में चावल टाइम के एक्सपोर्ट नहीं हो सका और चावल के जो काश्तकार थे वो अपना चावल यहाँ 50 रुपये किलो इस्लामाबाद में बेचते रहे। इस साल जो है तकरीबन 1 मिलियन टन हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हो सकता है चावलों का, इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आप जो दोनों एक्सपोर्ट प्राइस के ऊपर है कितना इंपॉर्टेंट होगा कि इसको टाइमली जो एक्सपोर्ट कर दिया जाए ताकि फसल के जो काश्तकार हैं उनको नुकसान हो। आपके जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा है, इस पर कोई शक नहीं है कि पिछले साल का जो कैरी ओवर स्टॉक्स के वजह और अच्छी प्रोडक्शन इस साल हमारे सामने चैलेंज है। मैं समझता हूँ इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं
और एक स्पेशल मंसूबा बना है कि किस तरह से ये साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ राइस हम लोग कर सकें। चाइना के साथ बातचीत शुरू हो गई है, इंडोनेशिया तो एक्सेप्ट कर चुका है कि ये और राइस हमसे लेंगे। अभी मैं गया था नाइजीरिया, वहाँ भी राइस के लिए सौदा हो गए हैं। तो एक प्लान है और ये मैं समझता हूँ इट्स अ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग हमारे जो राइस है ना जो तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर्स का होता है इसको और मजीद करना है और इंशाल्लाह 200-300 मिलियन डॉलर्स और निकालना है। साहब आप बात करते हैं कि महंगाई कंट्रोल करेंगे, आपने ये बात इससे पहले भी की है आज भी की है, क्योंकि गवर्नर साहब आपकी बात की नफी कर देते हैं कि महंगाई कंट्रोल नहीं होगी और मुझे बात दुरुस्त साबित नहीं। उन्होंने ये कहा कि महंगाई बढ़ेगी और आपने देख लिया 11.5% महंगाई की रेशो काट दी है। अब सर इन तरफ आप फिर कह रहे हैं कि जनवरी में इसका इम्पैक्ट आएगा जब इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज की प्राइस कम होगी, दूसरी साइड में नई बजट आया उसके लिए तो महंगाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, उसका खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया है और मजीद महंगाई बढ़ेगी। अब कैसे क्या क्रिया होगा कि महंगाई कंट्रोल कर सके? देखें आपने 3-4 सवाल इसमें, पहला तो सवाल आपने ये किया कि स्टेट बैंक का डिप्टी गवर्नर साहब, मुझे मालूम है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट इस तरह की दी थी, तो वो डिप्टी गवर्नर साहब जो हैं वो बैंकिंग के डिप्टी गवर्नर हैं, इनायत हुसैन साहब की बात आप कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो मैं थोड़ी ऊपर की चीज़ देखता हूं। वो ज़रा थोड़ा सा देख रहे थे कि आपकी इन्फ्लेशन जो आई है उसका नंबर से शायद महंगाई जो है जारी रहे, तो मैंने जो आपको बता दिया आज, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ आप ख्याल समझते हैं कि मेरे जो थॉट प्रोसेस में गलती है तो वो आप पॉइंट आउट कर लें। मैंने तो आपको सिर्फ ये बता दिया कि जो मेजर इंपोर्ट्स हैं और जिससे महंगाई हुई है वो पूरी दुनिया के बीच में कितने कितने परसेंट हुई है, तो वो जैसे ही वो नीचे जाएंगी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये कल हो जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूँ पेट्रोल प्राइस जो कि जिस तरह इन्होंने कहा था, वैसे असल में तो $87 पे गई थी, अब $68 पे है, जैसे ये कम होना शुरू हो जाएगी तो ये भी नीचे आएगी, इसी तरीके से बाकी चीज़ें भी आएंगी। आपका दूसरा सवाल जो है वो ज़्यादा मानी खेज है और वो ये है कि ये जो हमने IMF के साथ कुछ समझौते किए हैं जो अभी नहीं किए थे वो मार्च में किए थे, और मार्च में हमने 700 अरब रुपये के मुआहदे करके आए थे, उसको तो हमने आधा ही कर दिया ना बिल्कुल ही, अगर वो होगा भी तो वो 350 के करीब है, उससे ज़रूर कुछ कई चीज़ों पे फर्क पड़ेगा। लेकिन व्हाट वी आर आल्सो सेइंग दूसरी साइड के ऊपर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे अपने जो रेवेन्यू दूसरे हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमको उस साइड से कोई हम वो ये नहीं कह रहे कि आप इसके ऊपर एग्जम्पशन हटा दें और बस यही कर दें, वो ये कह रहे हैं कि यार अगर तुमने उसके बाद उनको रिलीफ देनी है तो सब्सिडी के थ्रू दे दो। ये IMF ये नहीं कह रहा कि आप रिलीफ ना दो लोगों को और महंगाई कर दो, वो ये कह रहे हैं कि यार तुम्हें टैक्स वगैरह के को डिस्टॉर्ट करने की क्या जरूरत है, अगर मतलब उसको वहां से टैक्स तो ले लो और उसके बाद अगर रिलीफ देना है तो रिलीफ दे दो, टारगेटेड सब्सिडी दे दो। तो मेरा ख्याल में हमें उस तरफ जाना पड़ेगा बिकॉज रेवेन्यू हमारे पास होगा। इस वक्त हम 300 अरब रुपया तो हम पहले 5 महीनों में आ गए, तो अगले 3 महीने में अगर 200-300 और हो तो 500-600 अरब रुपया हम आगे होंगे, तो हम वही 200-300 वाला जो हमने वो एग्जम्पशन विड्रॉ करनी है उधर हम रिलीफ दे देंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं ये 17,000 वगैरह, इधर तो हमने सीधा सीधा हमने कामयाब पाकिस्तान वगैरह जो 3.7 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं इनकी तो बिलो 50,000 जिनकी है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ा रहे हैं, उनको एहसास राशन दे रहे हैं, तो उनके ऊपर तो हमें जो इश्यू आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं अप फ्रंट आदमी हूँ, मैं यू नो वो हमारा अर्बन लोअर मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है। वो क्यों पिस रहा है कि हमारी बिजनेसेस पैसे तो बना रही हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी बना रही हैं, दूसरी हमारी बिजनेसेस भी पैसे बना रही हैं। आपको मालूम है पिछली दफ़ा जो हमारी जो लिस्टेड कंपनीज थी 950 अरब रुपया उन्होंने प्रॉफिट बनाया,
वो लोगों को पैसे नहीं दे रहे, वो अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं दे रहे। तो हमें उनको परसुएट करना है, भाई अपना तुम जेब बिल्कुल जेब मत भर लो यार, अपने आम आदमी अपना जो तुम्हारा वर्कर है उसको ही पैसे दो, क्योंकि इस वक्त रूरल एरियाज के बीच में भाईजान आपको मालूम है कि वहाँ तो क्योंकि क्रॉप्स अच्छी हो रही है ना, तो उनको खाने पीने में कोई इशू नहीं आ रहा, और उनकी उनकी जो है वो मोटरसाइकिलें भी खरीद रहे हैं जी। अर्बन बेचारा लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है, जो मिडिल क्लास से अपर है वो भी ठीक है, गाड़ियां ले रहा है, नौ नौ महीने की, आठ आठ महीने की ऑन मनी चल रही है, रेस्टोरेंट में जाएं तो सौ सौ बंदे की लाइन लगी होती है। ये लोअर मिडिल क्लास जो पिस रहा है उसको हम कोशिश करें किसी तरह हम उसको उसको रिलीफ दें जी। यार देखें उधर से इधर से आ जाएं, इधर आ जाएं, ये मेहताब बात हाथ कर आ जाएं, प्लीज मेहताब आ जाएं, माइक देना है यार, फिर देखें ना, फिर जिसके हाथ में माइक है वो ही कर लें, आप ही कर लें प्लीज, देखें ना आप, देख भाईजान, ओ भाईजान कदरदान, इधर तो किया करो उधर भी किया करो, इस तरह ना करो ना, एक ही साइड पे चल पड़ते हो तुम। जी जी बोले प्लीज, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबडी जी। आप जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे सर, आपने क्लेम किया था कि महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम किए जाएंगे और मार्केट को फ्लड करेंगे, अभी तक हमें नजर नहीं आ रहा इस हवाले से कोई इकदाम आपकी जानिब से उठाया। तो बस एक सवाल कर लेना आगे, फिर दूसरे या प्लीज किसी और, मेरी जान एक ही एक किसी और को, तो यार मेरी तो मैं तो बहुत तकरीरें कर चुका हूँ, तो याद कराते रहोगे ना शाम के 12 बजे, रात के 12 बज जाएंगे यार, तो एक आपने करा, मेरी मेरी अर्ज ये है कि मैं जी आपने अरे भाई मैं तेरी बात सुन रहा हूँ ना यार, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी बात अगर ज्यादा हो जाती तो दूसरों की बात भी सुन सकूंगा ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा चले चले, मतलब आप लीडर हैं इनके, चले कोई बात, आपने इस दफा जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हुई है फ्यूल की, पेट्रोलियम प्राइसेस की, खाम तेल 10 से 12 डॉलर फी बैरल कम आया है, 5 से 6 रुपए आप रिलीफ, आपने अपने गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू बढ़ा दिए, लेवी बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया, महंगाई निचले लेवल पे आप खुद मान रहे हैं, अगर गरीब आदमी को वो आप रिलीफ दे देते तो उनके कुछ हालात बेहतर हो जाते, बजाय इसके कि आईएमएफ के साथ जो आपने तय किया था कि हमने ब्रिजों की जो लेवी है वो 30 रुपए तक लेके जाना है, तो बाद में भी आप इसे एडजस्ट कर सकते थे, आपने वो क्यों नहीं दिया, महंगाई उसकी वजह से भी बड़ी है जो आप आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। तीसरी बात यह सर कि आपने जो इम्पोर्ट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बताया, ट्रेड बैलेंस भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात कर रहे थे कि बहुत हमारा मैनेजेबल है वो भी बढ़ रहा है, तो इसको आप किस तरह टैकल करेंगे? देखें ये पहली बात जो आपने तीन सवाल किए तो मैंने पहला सवाल ही भूल गया, ठीक है जी, देखें ना, तो अगर आप एक सवाल भूलेंगे एक वक्त में तो मैं बिल्कुल याद रखूंगा। तो ये आपने पहले तो कहा कि जी ये आपकी जो ये आखिरी वाला ले लेता हूँ कि जी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, आपने जो कम हुई हैं आपने उसको क्यों कम किया, तो मैं सिर्फ आपको उल्टा सवाल आपकी तरफ करता हूँ, जब 10-10, 12-12 रुपए बढ़ रही थी मैंने नहीं बढ़ाई, किस लिए नहीं बढ़ाई, किस क्यों नहीं बढ़ाई थी, मेरा ख्याल था कि आपकी जेब के ऊपर, गरीब आदमी की जेब पे ज़्यादा होगा, तो मैंने क्या किया, मैंने जितनी भी 17% मेरा सेल्स टैक्स था उसको ज़ीरो कर दिया, कर दिया ना, तो अब मुझे अगर वो वापस, ये तो लॉ है कि मैंने 17% लेना है, अभी भी मैं 1.6% पे गया हूँ और मैंने उसको बराबर रखा है, हालांकि मैं ऊपर जा सकता था, मैं कहता था क्योंकि बाकी जो दुनिया के बीच में जो है, अगर मैं आज 17% लगाऊं तो 175 रुपए पे आपका इस वक्त तेल की प्राइस होनी चाहिए पेट्रोल की, और अभी भी 143 है, तो मेरी जान उसको हम जरा थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए ना, अब जरा पर्सपेक्टिव में देखें, मैं आपकी सेंटिमेंट को समझता हूँ लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी है। दूसरी आपने कहा कि आपने वादा किया था प्राइसेस जो हैं वो बढ़ाएंगे, मैं आपको ये भी बता दूँ, आप डोमेस्टिक जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ये जो वीट वगैरह सारा कुछ मिला दें, ये सारी पिछले साल से नेगेटिव हैं, इस वक्त प्राइसेस कम है हमारी, सिर्फ इम्पोर्टेड पे, घी पे हमारी ज़्यादा होगी, दालों में ज़्यादा होगी, वो इम्पोर्ट हो रही है, आप मैं आपको पूरा चार्ट भेज सकता हूँ, हर हफ्ते मैं देखता हूँ जी, क्या जी जी मुर्गी, हाँ यार देखें अगर मेरे साथ सारी देख लें, जहीर साहब देखें
अरे अरे भाई, अरे चले यार, मैं आपको या सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा, अगर आप मेरे से बहस करेंगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ। तो नहीं देखे ना, तो फिर आप मेरे साथ बहस कर रहे हैं इस वक्त। मैं आपको चार्ट दे दूंगा और आपको मुर्गी का भी पता चल जाएगा, आलू का, टमाटर सब का पता चल जाएगा, पिछले साल क्या था और अभी था। मैं अपनी पूरी उसके साथ कह सकता हूँ, टमाटर ये आलू वगैरह सारा पिछले साल से इस वक्त जो हमारी कीमत है वो कम है। ठीक है जी, चले जी बाकी बताएं। जी सर, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, बहुत सारा सप्लीमेंट्री फाइनेंस भी ला रहे हैं, इसमें बहुत सारे रेट्स भी एडजस्ट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि क्या इन्फ्लेशन का जो इस साल का टारगेट है उसको भी आप रिवाइज करने जा रहे हैं? देखें, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 8.5 से 9.5% का है फिलहाल तो, और अभी तो हम मेरे ख्याल में रिवाइज नहीं करेंगे, बट ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ये रिवाइज करता है, ये उनका प्रोरोगेटिव है, हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है कि हम इन्फ्लेशन रेट रखें, वो ही रखेंगे और वो देखते हैं। वो अभी तक तो उन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि यार जो एग्जम्पशन वो निकाल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उसके ऊपर कोई टारगेट सब्सिडीज वगैरह नहीं देंगे, हमारे पास रेवेन्यूज तो हैं। हमने अगर उन्होंने पॉलिसी जो गाइडलाइन दी है, और गाइडलाइन ये अभी मेरे वक्त में नहीं है, ये मार्च में आपने ये करके $500 मिलियन ले चुके हैं उनसे, तो वो जो हो चुकी है उस वक्त तो आप में से किसी ने इतनी कोई बहस पूछनी की मुझे तो नहीं नज़र आता, मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ, उस वक्त तो ऐसे हाथ साथ ही खड़े होते थे, उस वक्त करते ना, जब उन्होंने हाथ साथ हमारे बांध के एक करके वो चले गए, और आप मेरे ऊपर अभी आके वो भी मेरे ऊपर बहस कर रहे हैं, आप भी मेरे ऊपर बहस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई जान आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, हम कोशिश करेंगे इसको बैलेंस करने की। लेकिन सर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने सवाल किया था कि वो लोगों के बारे में बताएं जिन्होंने CNC से वो बाईपास करवाया था, आपने कहा यार रात नहीं बात भी छोड़ो, लेकिन सर मसला ये है क्योंकि पीछे से जुड़ी हुई चीजें, मेरा सवाल ये है सर, अभी आप इम्पोर्ट्स को अगर टैपर करना शुरू करें इट विल टेक टाइम, ये ऐसे नहीं होगा कि ये प्राइसेस इतनी तेजी से नीचे जाए, आप बिगेस्ट क्या ले रहे हैं सर जिसके नतीजे में देखें, हमने बैठ के सारे चीजें देखी, पहले तो हमने ये देखा कि इसकी जो हमारी ये जो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है इसकी वजह क्या है। देखो जी, आपको समझ, अगर आप उसको एनालिसिस ना करें और अंधेरे में आपने अगर आपने तलवार चलानी शुरू कर दी तो इनोसेंट भी मर जाएगा। तो हमने ये देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम इस वक्त कर्टेल कर सकते हैं, जिसके बीच में हमारी ये जो गाड़ियां हैं और ये CBUs हैं, मतलब कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स हैं, इसका तो यहाँ प्रोडक्शन पे तो कोई वो नहीं है ना, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ से बनी बनाई आती है, बिक जाती है, सिर्फ रेवेन्यू पे अफेक्ट होगा, अगर वो उसका रेवेन्यू हमारा नहीं मिलेगा हमें, लेकिन अदरवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी पर कोई फ़ायदा नहीं। तो उसको हमने देखा है, आप देखेंगे हमें उसके ऊपर सारे डिसीजन हम कर चुके हैं, वो अभी हमें इम्प्लीमेंट जी डिसीजन ये है कि हमने ये CBUs जो हैं गाड़ियों की इनको रोकना है, बिकॉज ये इस और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बेसिकली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वगैरह वो अभी मंगवाते रहें जब हमारे पास डॉलर जो हैं वो उसकी कमी है। इसी तरीके से बाकी चीज़ों को भी हमने देखा है, और उसमें कुछ आइटम्स पर हमने जो थी एक किस्म से नॉन एसेंशियल आइटम्स थे उसके ऊपर हमने वो लगाए थे, कैश मार्जिन लगाए थे, तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर शायद RD वगैरह कुछ लगाते हैं ताकि उसका, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने जब देखा कि असल क्या वजह है तो उसका 90% तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया, तो 90-10% को अगर हमने मतलब उसकी गर्दन भी काट दी ना तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा हमें यार। तो हम ये नहीं चाहते कि जिस तरह है कि बगैर कंसिडर्ड मतलब व्यू के हम चीज़ें करें, तो इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं, हम फिर भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ताकि एक इम्प्रेशन भी जाना चाहिए कि अगर हमारे पास डॉलर्स की कमी है तो हमें इस किस्म की, हालांकि लोग अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन उनको नहीं खर्च करना चाहिए इन चीज़ों पर। जी और सर डॉलर बढ़ता जा रहा है, शपथ साहब आपके सामने है,
आप मुंबई से रोज रोज डॉलर बढ़ने से सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इफेक्टिव रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पहले भी मैं कह चुका हूँ 166-167 होगा, अब 168 हो गया होगा, जाए इससे ऊपर जो है ये स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन को कैसे रोका जाए? स्पेकुलेशन को रोका जाता है जब आप उसको रुपी को दोनों साइड पर मूव करते हैं, और उसके मतलब ये है कि आपको इंटरवेंशन भी करनी पड़ती है, और जाहिर है उसमें ये भी देखना पड़ता है कि ये स्पेकुलेशन कर कौन रहा है और हो क्यों रही है। अच्छा, कुछ स्पेकुलेशन हो रही है, कुछ हमारा जो हमारे हम अमल कर रहे हैं, और ये स्पेशली अखवान ट्रेड पे है, अखवान ट्रेड जो हो रही है वो हमारा अब रुपया हमारा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, लोग वो हमारे यहीं से डॉलर खरीद के डॉलर वो डाल देते हैं अकाउंट में और उसके बाद उसके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उससे ये हुआ है कि हमारा जो अनऑफिशियल रेट है ऑफिशियल रेट में फ़र्क ज़्यादा होना शुरू हो गया, उसका इंटरबैंक पे भी इफेक्ट होता है। और जब इंटरबैंक में इफेक्ट होता है तो बैंक्स क्या करते हैं? बैंक्स कहते हैं यार ये इसका मतलब है ये तो एक साइड पे जा रहा है, वो अपनी जो फॉरवर्ड बुकिंग्स करवाना शुरू करते हैं कस्टमर्स के साथ, वो उसमें अपना प्रॉफिट बिल्ड करना शुरू कर। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत माशाल्लाह रिसर्च करते हैं, आप जाके देखें बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉफिट्स पिछले 9 महीने में कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ यही देख लेंगे, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जिसका मतलब है बैंक्स अगर ज़्यादा पैसे बना रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो इसका मतलब है बैंक्स को भी इसमें वो भी एक इसमें कैरेक्टर्स हैं, तो इनको अब चाहिए कि इस तरह ना करें। बिकॉज किसी वक्त भी ये हो सकता है कि मेजर इंटरवेंशन अगर होती है और दूसरी तरफ रुपया जाता है तो इनको नुकसान होगा। तो मैं इधर तक कहूँगा, लेकिन मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ कि हमारी डिप्रिसिएशन हो रही है करेंसी। मैंने आपको मैं इनको जवाब दे दूं। आपने पूछा था कि रॉ मटेरियल का ब्रेकअप क्या है। टोटल इस साल रॉ मटेरियल जुलाई टू नवंबर 9.8 बिलियन डॉलर्स का रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट इंपोर्ट हुआ है। उसमें से सबसे ज़्यादा है आयरन एंड स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स, सारे जितने भी आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स है वो है 2.5 बिलियन डॉलर्स। यस, फिर नंबर टू है केमिकल्स, केमिकल्स में ऑर्गेनिक केमिकल्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स सारे 1.9। फिर आता है प्लास्टिक्स, पॉलीप्रोपिलीन पॉलीएथिलीन सारे इनके वो 1.2। फिर पॉलीमर्स तकरीबन 900 मिलियन डॉलर्स, मैन मेड फाइबर्स 700 मिलियन डॉलर्स, कॉटन रॉ कॉटन 700 मिलियन डॉलर्स। तो उसका मतलब ये हुआ, ये वही ज़्यादा तौर पर वही चीज़ें हैं जो हमारे इंडस्ट्री में ज़रूरत है, कोई ऐसे फिनिश गुड्स नहीं है। तो यही है हमारा सारा मिल मिलाकर जी। सर एक बड़ा मसला जो सब नजर आता है कि गैर यकीन होते हैं, मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाए वो आज का सौदा करता है कल का वो नहीं करता। इस गैर यकीन सूरत हाल को आप खत्म करने के लिए क्या करें? सर आपने बात की बैंक बहुत मुनाफा कर रहे हैं, उसमें बैंक का प्रॉब्लम बढ़ गया है, लगता है ऐसा कि स्टेट बैंक और गवर्नमेंट के साथ कोई दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि बैंक ज्यादा प्रॉफिटिंग कर रहे हैं या वो एडवांस बुकिंग कर रहे हैं, उस पर एक्शन किस लिया जा रहा है? सर तहलाक डॉ साहब से पिछले दिनों आरबी बैंक की रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिए गए हैं, लेकिन सारे के सारे इंसेंटिव सिर्फ उसी शोबे के लिए पहले से एस्टैब्लिश है, नए सेक्टर्स को हौसला अफजाई नहीं की जा रही एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो यदि दूसरे लफ्जों में सादा जो है जो अमीर हैं उनको ज्यादा अमीर किया जा रहा है, जो नए आने वाले उनके लिए कुछ नहीं है हमारे इंसेंटिव में जो एक्सपोर्ट है। जी पहले तो गैर यकीनी की बात जो है ना वो ज़ाहिर है यार, जिस वक्त आपका रुपया जो है अगर डिप्रिशिएट कर रहा है तो एक किस्म से गैर यकीनी की बात होती है, जैसे ही इसमें स्टेबिलिटी आएगी। दूसरी साइड के ऊपर अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट चल रही है 11.5%, तो गैर यकीनी की बात आएगी। अगर आपके जो डिस्काउंट रेट है वो अगर बढ़ना शुरू होगा तो गैर यकीनी की बात आएगी। तो मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ जो है आप बजट के वक्त में तो ऐसा नहीं था ना, बजट के वक्त में एक यकीनी की हालत थी, लोग कह रहे थे ग्रोथ होगी। तो मैं तो आपको सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ लिंक्ड है,
ये अगर आप अगर ये इंटरनेशनल जो कोविड के बाद से जो इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटीज़ की ना बढ़ती तो हम बेसिकली ग्रोथ तो अभी भी हमारी हो रही है सर, मैंने जिस तरह आपको उसके इंडिकेटर्स बताएं, तो ये जैसे आप देखेंगे कि ये और अच्छा और आपकी डिप्रिसिएशन भी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, डिप्रिसिएशन भी जो आपका करेंसी भी स्टेबल वक्त होती है जब इन्फ्लेशन आपकी जो है वो कंट्रोल में है। अगर आपकी इन्फ्लेशन 3-4% पे होती है तो आपका एक्सचेंज रेट भी बिल्कुल स्टेबल होता है। तो हमारा ये एक्सचेंज रेट जो इन्फ्लेशन है ये हमारी उसको भी पुश कर रही है हमारे एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही आपकी इम्पोर्ट्स गिरेंगी और जैसे ही उसके बीच में आपके करंट अकाउंट में स्टेबिलिटी आएगी तो ये उस पर भी प्रेशर ख़त्म होगा, इन्फ्लेशन भी नीचे जाएगी और यकीनी गैर यकीनी की हालत जो है वो भी ख़त्म होगी। लेकिन जो मैं आपको कहने की दे रहा हूँ और आम आदमी को भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, हाउसिंग ग्रो कर रही है, ये सारे जो आपके मेन सेक्टर्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं। किस दर से हमें पता चलता है? हमारे रेवेन्यू ना बढ़ रहे होते, अगर हमारे रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है ये सारा कुछ हो रहा है। हाँ, जो प्रेशर आ रहा है इन चीज़ों की वजह से वो एक तबके पे तो ज़रूर आ रहा है और लोअर मिडिल क्लास पे ज़रूर आ रहा है। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन देखें, कोऑर्डिनेशन का मसला नहीं है लेकिन ये ज़रूरी है। जिस तरह मैंने अभी आपको ये कहा, यही नंबर्स मैंने जाके आज गवर्नर को भी भेजे हैं, मैंने कहा भाई ये ज़रा देख लो ये तुम्हारे बैंक्स क्या कर रहे हैं। तो उसका ख्याल ये था कि ये बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा कोई फॉरेन एक्सचेंज में पैसे नहीं बना रहे, तो मैंने सिर्फ उनको नंबर दे दिए, तो इंशाल्लाह वो उस पर एक्शन करेंगे। आपने यह सवाल पूछा था, जो आपकी फिक्र है ना कि कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट किस तरह से, वो हमारी भी यही फिक्र है। हम लोग ने जो हमारे पॉलिसीज है ना वो लिखते हैं इन स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक लफ्ज़ में वो क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है और बहुत ज़रूरी है कि हम लोग करें। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या, डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम टेक्सटाइल्स, डाइवर्सिफिकेशन जियोग्राफिक, डाइवर्सिफिकेशन के टेक्सटाइल में मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट हो और यार्न और कॉटन जो पहले होता था वो रो कॉटन वो नहीं करना चाहिए। तो ये है, हम लोगों ने हर महीने चेक करते हैं कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी ठीक जा रही है कि नहीं। ये चार्ट है, इसको हम लोग ने फॉलो करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, इसका मतलब टेक्सटाइल्स और लेदर और ये नहीं है इसमें, नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इजाफा कितना हुआ है, 60% इन ट्रेडिशनल मार्केट, 77% इन नॉन ट्रेडिशनल मार्केट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे तवज्जो, हमारे डायरेक्शन जो डाइवर्सिफिकेशन है वो सही जा रही है। हमें ये करना है हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए कि हमारा डिपेंडेंट ऑन टेक्सटाइल इसको कम होना चाहिए और यही हम लोग करो। हमने 600 बिलियन कमिट किया था और हम 300 पे कर रहे हैं और हमारे फर्स्ट 5 मंथ्स में 300 बिलियन के रेवेन्यूज इंक्रीज आए हैं, तो अगर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर वो होते हैं तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री जो मेजर्स हैं ये मनी बिल की सूरत में आप पार्लियामेंट में पेश करेंगे या ऑर्डिनेंस की सूरत में आएगा और कब तक आएगा? देखें जी प्लीज सर, थैंक यू। दूसरा सवाल ये है कि आपने जब प्राइसेस कंपैरिजन कर रहे थे तो हमारी इंपोर्ट्स बहुत महंगी हैं, एनर्जी प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा है, तो सेम आपने कोट किया कि इंडिया के भी सेम इश्यूज हैं, लेकिन इंडिया में राइट नाउ जो इन्फ्लेशन फिगर है वो 5% के अराउंड होवर कर रहा है जबकि पाकिस्तान में इट इज एक्सीडिंग 10% एंड ओवर लास्ट 3 years वी आर इन द मतलब डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में आ रहे हैं जबकि इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज 5-6 से ऊपर नहीं गए। जी जी, तो पहला वाला तो आपने कहा कि सॉरी सप्लीमेंट्री, देखें ये सप्लीमेंट्री जो है ये जो हम करेंगे ये उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने ये नहीं देखा कि हम पैसे इस वक्त ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये प्लान था ना, मेरा प्लान जब मैं आया था कि भाई तुम मुझे कह रहे हो कि ये टैक्सेस बढ़ा दो
तो मैं ये कह रहा हूँ, हम टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, हम ब्रॉडनिंग करेंगे, और हम उतना ही, जहाँ आप कह रहे हैं कि हमें इतने पैसे और चाहिए, वो मैं हम करके दे देंगे आपको। तो उन्होंने हमें ये कहा कि नहीं जनाब, आपने जो पैसे लिए थे हमारे से, वो ये कहा था कि आप पॉलिसी एक्शंस करेंगे। आप पॉलिसी एक्शन ये है कि आपकी ये एग्जेम्पशंस ख़त्म करेंगे, सारी की सारी इनकम टैक्स से भी ख़त्म करेंगे और बाकी रिटेल में भी, जीएसटी में भी ख़त्म करेंगे। हमने इनकम टैक्स में तो उनको हाथ नहीं लगाने दिया, बिकॉज मैंने कहा ये तो पिरामिडिंग हो जाएगी, तो आप देखेंगे हम नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स बढ़ा देंगे। इसके ऊपर जो था हमारे पास, जितनी हम बचा सकते थे, यू नो, फर्टिलाइज़र है, ये है, फूड आइटम्स हैं वगैरह वगैरह, उसको तो बचा लिया, मेडिसिन को बचा। बाकी उन्होंने ये कहा कि जनाब इसको आप मनी बिल के थ्रू करें, पार्लियामेंट का, इट शुड बी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इट विल नॉट बी एन ऑर्डिनेंस, ये पार्लियामेंट के थ्रू जाएंगे। और वो दूसरी बात आपने क्या कही, हाँ कंपेयर, देखें इंडिया भी और बांग्लादेश वगैरह भी, ये सारे इम्पैक्टेड हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन से, लेकिन उनका जो, उनके और जो स्ट्रक्चरल जो इश्यूज आए हैं हमारे एक साल के बीच में, हमने बिजली की प्राइसेस बढ़ाई हैं, हमने इस किस्म की गैस की प्राइसेस बढ़ाई हैं, हमारे वो जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस थे उसको जब हमने एडजस्ट किया है, उसका हम, उन्होंने तो नहीं किया, उनको वो तो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं ना, उनके ऊपर वो प्रेशर्स तो नहीं आए जो हमारे, हम लोगों ने जो एडजस्टमेंट्स नहीं करते रहे पिछले 4-5 साल में, वो हमें एकदम करनी पड़ी, और फिर जो हम लोगों को करनी पड़ी वो आपने, आपको मालूम ही होगा, पावर सेक्टर में आप देख लें, वो तकरीबन 850 अरब रुपया का तो हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं। हिंदुस्तान तो नहीं देता 850 बिलियन की कैपेसिटी पे, और ये क्या, हम यूज़ भी नहीं कर रहे इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे जो है, जो भी हम लोगों ने, मैं उसको बहस में नहीं जाता हूँ कि ये क्यों लगाए गए एक्स्ट्रा ये प्लांट्स वगैरह, लेकिन है ना, इस साल वो 1000 अरब रुपया हो जाएगा। ये चीज़ें करने के लिए जब आप अपने टैरिफ वगैरह वगैरह बढ़ाते हैं, उसका इम्पैक्ट आ जाता है, फिर उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है, फिर जैसे हाउस होल्ड पर आता है, यू नो, रेंट्स पर आता है, इस किस्म की चीज़ें। तो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि भाई ये जो है उनके ऊपर भी तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, उनके रेट्स क्यों नहीं ज़्यादा, उनके रेट्स। दूसरा, हमारे देखें जी, हमने जैसे कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी अपनी उसमें इकॉनमी को, तो हमने इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ा दिए थे, उसका जो है वो लास्टिंग इम्पैक्ट आता है कुछ अरसे के लिए, बिकॉज इसमें हमने लॉन्ग टर्म में भी फिर लॉक इन किया था। और फिर एक और चीज़ भी है जनाब, वो ये है कि उनका सेविंग रेट 32% है, आपका जो सेविंग रेट है वो है, आपका सेविंग रेट 14%। तो आप जितनी भी अभी ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप बोरो करते हैं, आप जब बोरो करते हैं तो वो डेट की जो रिपे, वो उनके लिए उतना उनको फ़ायदा हो जाता है, वो 32% करते हैं तो वो सस्टेन कर लेते हैं 8% को और एट लो इन्फ्लेशन रेट। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा उसको, और सेम इज विद बांग्लादेश, बांग्लादेश की भी इस वक्त 28-30% सेविंग रेट है। जी आज की ये फिगर सही हो, अगर गलत है तो मुझे बता दें कि आपका बोर्ड कवर जो है वो 16 बिलियन डॉलर पे आ चुका है फॉरेन रिजर्व में, और इसके साथ ही आप पर जो अफगानिस्तान के लिए इम्पोर्ट्स हो रही है लीगल इम्पोर्ट्स, उसका भी पेमेंट का प्रेशर आ रहा है इंडिया के। देखें इस इम्पोर्ट जो है 16-17 बिलियन डॉलर है, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप मंडे ट्यूसडे आप अगले हफ्ते में आपको 3 बिलियन डॉलर तो सऊदीज का भी आ जाएगा, और उसमें कोई इशू नहीं। हमने देखें इसमें से 1 बिलियन डॉलर निकला है, सकूक हमने पे किया है, जो कि अगले हफ्ते में, इस हफ्ते में आ जाना चाहिए था, वो वापस अगले हफ्ते में आ जाएगा। तो आपका देखें ना, 3 तो वो हो गए थे 19-19.5 और उसके बाद एक तो 21.5 पे हम 20.5 पे चले जाएंगे, और फिर हम यूरो बॉन्ड्स भी वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कवर में तो इशू नहीं है हमें। तो दूसरा आप क्या कह सकते, हाँ अफगानिस्तान वाला जो है वो रियल इशू है हमारा। हमने ये कहा है कि ये इसको हम बार्टर में लेके जाएंगे, और इसको हम चाहेंगे कि उनकी जो बिल्कुल असेंशियल इम्पोर्ट्स हैं उसको हम कवर करें, लेकिन ये फ्लड गेट्स ना खोलें, बिकॉज अब ये हो रहा है कि वो सारा हमारे रुपया पे प्रेशर पड़ रहा है, हमारा रुपया पता नहीं कितने पे बिक रहा है काबुल में, और उसका अफेक्ट हमारे रुपया पे यहाँ भी पड़ रहा है। तो इसको बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, इसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे अगले चंद दिनों में। आखिरी सवाल जी, आखिरी सवाल सर, एक
के जो हफीज शेख साहब ने उसका अग्रीमेंट किया, तो सर इस सिचुएशन में जिसने मुल्क को रजा खान साहब का ये नारा दिया है कि खा अपना हो या पराया हो उसका एहतसाब होगा, अगर इतनी मुश्किल में उन्होंने डाल दिया है तो आपने अब तक उनके खिलाफ कोई मौजूदा गवर्नमेंट ने कार्रवाई नहीं की। और दूसरा ये कि जो अफगानिस्तान की आप बात करें कि FBR ने आपको भेजी हुई है रिपोर्ट भी कि 4 से 5 करोड़ डॉलर जो है वो मंथली जो है वो जा रहा है, और उन्होंने सजेशन दी है कि अफगानिस्तान के साथ उन्होंने बलूचिस्तान का हवाला दिया हाईकोर्ट ने कि आप रुपये में जो है उसकी अगर जो है वो तजारत की अलाउ कर दें तो उसके जो है काफ़ी डॉलर रुपये के जो पैसे थे हमारा वो कम हो जाएगा। और सेवन रेट का सर शेड्यूल आता होता है हर साल दिसंबर में, आप सेवन रेट का कह रहे हैं लेकिन सेवन रेट को आप उसका फोकस नहीं कर रहे, अभी तक शेड्यूल तक भी जारी हुआ कि क्या बाकी पुराने बॉन्ड्स भी आप खत्म करने जा रहे हैं और कोई स्कीम नहीं आ रही, बहुत कुछ प्लान बनाए हुए थे लेकिन नहीं, जब तक आप प्लान ही लाएंगे तो सेवन रेट कैसे हमारा करेंगे। लेकिन सेविंग रेट को मैं सेविंग रेट एक चीज़ किसी चीज़ से ठीक नहीं होगा, आपका सेविंग रेट जो है उसके बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तो हमारे ही इलाका है विच मीन्स टैक्सेस, आपको टैक्स की रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, सेविंग रेट्स को आपको इनकरेज करना पड़ेगा, आपने कई ऐसी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर सेविंग रेट टैक्सेस जो हैं वो डिसप्रोपोर्शनेट हैं तो वो ठीक करने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि आपका बैंकिंग फुटप्रिंट देखना पड़ेगा ना, आपका बैंकिंग फुटप्रिंट पूरी इकॉनमी का 33% है, उस 33% में भी अगर आप देखें तो अपनी जो मनी सर्कुलेशन है कैश जो है वो तकरीबन 38 से 40% है, तो हमने हमारे जो लोग अगर बैंकिंग भी हो रही है बैंक में भी पैसे जो पड़े हैं ना तो वो उठा के वो लोगों ने कैश में रखे हुए हैं बाहर रखे हुए हैं अगर जो इकॉनमी, सो व्हाट वी हैव टू से ऐसी इज़ कि यार एक तो बैंकिंग फुटप्रिंट बढ़ाओ, लेके जाओ ये मतलब जो रूरल एरियाज़ वगैरह में छोटे शहरों में जाके उधर जाके अपना डिपॉजिट बढ़ाओ, और डिपॉजिट जब बढ़ाओगे तो जाहिर है वो फिर एक किस्म से सेविंग भी बढ़ेगी और फिर उसमें आपने अगर रेट्स को भी ठीक किया तो ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लंबा सिलसिला है। लेकिन जो आपने उसमें बात की कि प्राइस बॉन्ड जो हैं, प्राइस बॉन्ड्स यार अगर मतलब वो तो फैटफ में अगर आप बेरर प्राइस बॉन्ड तो फैटफ का वो तो आपको सीधा सीधा उल्टा टांग देंगे, दुनिया के बीच में इंडिया में बांग्लादेश में तो प्राइस बॉन्ड से तो नहीं मतलब सेविंग रेट बढ़े ना, तो वो तो और तरीकों से बढ़े। और फिर आपका सवाल था, सॉरी मैं एक तो सर ये आप, आपने हाँ शुरू में आपने कहा कि ये आपने उन्होंने किया तो आपने उसका क्या किया, देखें पॉलिसीज जो हैं अब जो नून लीग की जो पॉलिसीज थी और वो पॉलिसीज थी किस चीज़ पे कि उन्होंने एक्सचेंज रेट को बंद करके रखा हुआ, उसे मेरे नज़दीक 40-50-60 बिलियन का हमें लॉस हुआ है, वो उन्होंने कहा ये हमारी पॉलिसी थी, उन्होंने वो पॉलिसी उसके उसके ऊपर अब उसको जाके अगर आप जाके उसके ऊपर नैब शैब में लेके चले जाएंगे कुछ वो कहेंगे यार हमारी पॉलिसी थी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट सारा कुछ हुआ था, आप कौन है यार, पहली बात ये भी अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट थी उस वक्त, देखिए कैबिनेट ने अप्रूव किया था सारा, तो अब मैं इसके ऊपर विच हंटिंग करूँ, मैंने पहले भी आपको कहा था मतलब इस वक्त हम इसको ठीक करें, इस जो हमारी वो है उसको ठीक करने की कोशिश करें रादर देन विच हंट करें। तीसरा भी एक सवाल था आपका जी, अफगानिस्तान वाला 4 से 5 करोड़ डॉलर वो ठीक है, आपकी बात सही है, देखें ये भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनको रुपए में हम इजाजत दे दें, लेकिन लेकिन सर देखें ये इनकी हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हमारी काफी $2.5 बिलियन की होती है, $2.5 बिलियन अगर रुपए में आप इनको देना शुरू कर दें ये तो आपको जो एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें फल भी है सारा कुछ है वो तो डॉलर लेंगे आपसे, ये तो डबल वहमी हो जाएगा, उधर से भी हम डॉलर दे रहे हैं यहाँ से रुपए में दे रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मतलब हम वो कर रहे हैं जो एसेंशियल्स हैं वो हम दे रहे हैं और जिसमें ये फूड आइटम्स हैं मीट है वगैरह इस किस्म की चीज़ें दे रहे हैं, हम ये भी सोच रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स और राइस को भी देख लें वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।